फिल्म के शुरुआत में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर गैब्रियल को दिखाया जाता है जो किसी भी हाल में अपने ऑर्गेनाइजेशन को फिर से शुरू करना चाहता है, फिर चाहे उसे कोई भी गलत कदम क्यों ना उठाना पड़े वो उसके लिए भी तैयार है। इसलिए उसने एक बैंक को लूटकर 22 लोगों को हॉस्टेज बना लिया ताकि बैंक से पैसे लूटने के बाद पुलिस वाले उसे आसानी से यहाँ जाने दे। साथ ही उसने जेम्स नाम के हैकर को भी जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल किया है। गैब्रियल का इरादा तो अच्छा है कि वो आतंकवादियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसका तरीका गलत है। वहीं बैंक के बाहर चारों तरफ पुलिस वालों ने गैब्रियल को घेर रखा होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गैब्रियल ने जिन्हें भी होस्टेज बनाया है उन सभी के ऊपर बॉम्ब लगा दिया है जिसका रिमोट गैब्रियल के ही पास है। वहीं गैब्रियल गवर्नमेंट को डर का एहसास दिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए एक होस्टेज लड़की को अपने साथी के साथ बाहर भेजता है जो फिर पुलिस चीफ रॉबर्ट को फोन करके कहता है कि अगर सरकार ने मेरी मांग जल्दी पूरी नहीं की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। लेकिन तब एक आदमी पुलिस वालों से कहता है कि हमें गैब्रियल के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, उसके साथी को स्नाइपर से शूट करके उस लड़की को बचा लो। इसलिए पुलिस वाला स्नाइपर के जरिए गैब्रियल के साथी को शूट करके मार देता है और फिर बाकी पुलिस वाले उस लड़की को बचाकर वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन जो बॉम्ब गैब्रियल ने उस लड़की पर लगाया था वो रिमोट से तो एक्टिवेट होता ही था, साथ ही रेन से दूर जाने पर भी एक्टिवेट हो जाता था, और अब जैसे वो लड़की रेन से बाहर आती वो बॉम्ब एक्टिवेट होकर विस्फोट हो जाता है जिसमें उस लड़की के साथ काफी सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि आखिर कैसे गैब्रियल ने बैंक लूटने का प्लान बनाया, जहां हम सबसे पहले एक हैकर को देखते हैं जिसके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट होने के कारण पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते। दूसरी तरफ जिंजर नाम की एक लड़की जेम्स से मिलने आती है, पर जेम्स ने पहले ही सारे गलत काम छोड़ दिए है, लेकिन जिंजर उसे कहती है कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है जिसके बदले वो उसे अच्छे पैसे भी देती है, और साथ ही ये भी उससे कहती है कि तुम एक बार मेरे बॉस से मिल लो, अगर तुम उनके साथ काम करना चाहो तो कर सकते हो वरना तुम्हारी मर्जी। इसलिए जेम्स उसे मिलने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। दरअसल जेम्स का उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है जिसे उसकी पत्नी ने अपने पास रखा है, इसलिए वो एक अच्छे वकील को हायर करना चाहता है ताकि उसकी बेटी का पक्ष उसे मिल सके। दूसरी तरफ रॉबर्ट उस हैकर से बात करने की कोशिश करता है ताकि पता लगा सके कि आखिर यह हैकर किसके लिए काम करता है। तब वो हैकर उसे बताता है कि जिसके लिए मैं काम करता वो किसी से नहीं मिलता और दुनिया में उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, उसे जो चाहिए वो उसे प्राप्त करके ही रहता है, फिर चाहे इसके लिए उसे सही या गलत कोई भी रास्ता क्यों ना चुनना पड़े वो उसके लिए भी तैयार रहता है। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, बस वो किसी और के हाथों काम और पैसे भेज देता है, जो सुनकर रॉबर्ट दंग हो जाता है, इसलिए उसे नाम जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हैकर उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए रॉबर्ट वहां से चला जाता है। पर जैसे ही वो बाहर जाता है गैब्रियल का एक साथी हैकर उसके वकील को शूट करके मार देता है क्योंकि हैकर गैब्रियल के लिए ही काम करता था और वो नहीं चाहता था कि हैकर के जरिए अभी उसका नाम सभी के सामने आए। दूसरी तरफ जिंजर जेम्स को गैब्रियल के पास लेकर आती है जहां अब गैब्रियल जेम्स को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सर्वर को सिर्फ 1 ही मिनट के अंदर हैक करना है वरना मेरे साथी तुम्हें शूट करके मार देंगे, जो सुनकर जेम्स घबरा जाता है। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था इसलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है और काफी मशक्कत के बाद वो 1 मिनट के अंदर ही सर्वर को हैक कर लेता है। फिर गैब्रियल जेम्स को अपने घर ले जाता है जहां जेम्स उसे सवाल करता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो। तब गैब्रियल उसे एक सुपर कंप्यूटर दिखाकर कहता है कि तुम्हें इसके जरिए एक ऐसा कोड बनाना है जो किसी भी सर्वर का एक्सेस पाने में सक्षम हो और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, जो सुनकर जेम्स हैरान हो जाता है पर वो अपनी बेटी के लिए इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में गैब्रियल जेम्स को कॉफी के लिए एक जगह लेकर आता है जहां वो उसे शॉर्ट फीस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजें बताते हुए कहता है कि 1980 के समय में सरकार ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि आतंकवादियों को उनके तरीके से सबक सिखाया जा सके, लेकिन उस समय के लीडर्स ने सरकार के पैसों पर कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करके इसका सारा पैसा वर्ल्ड बैंक के अंदर डाल दिया और अगर तब से अब तक उन पैसों का इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो वो कई बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनेंगे, इसलिए मैं उन पैसों को प्राप्त करना चाहता हूँ
ताकि इस वॉटफिश ऑर्गेनाइजेशन को फिर से शुरू कर सकूं। जी इसके लिए तुम्हें वर्ल्ड बैंक के सर्वर को भी हैक करना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें वो कोड बनाने का काम दिया है। अब ये सब जानने के बाद जेम्स अपना कोड बनाना शुरू करता है ताकि उससे किसी भी सर्वर को आसानी से हैक किया जा सके। अब यहाँ गैब्रियल और जिंजर को पूरी उम्मीद होती है कि जेम्स इस काम को आसानी से पूरा कर लेगा। तब काफी देर की मेहनत के बाद आखिर बार वो ऐसा कोड बना लेता है जो किसी भी सर्वर को हैक कर सकता है, लेकिन अभी वो इस बारे में गैब्रियल को नहीं बताता। फिर थके होने के कारण वो आराम करने लग जाता है, लेकिन जब वो शराब लाने स्टोर रूम में जाता है तो उसे गैब्रियल का शव दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम दंग रह जाता है कि आखिर गैब्रियल की हत्या किसने कर दी। और जब वो ऊपर आता है तो उसे वहाँ गैब्रियल दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ठीक था, यानी कि स्टोर रूम वाला गैब्रियल बस असली गैब्रियल का एक क्लोन है। आप गैब्रियल जेम्स को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ रास्ते में उसे कहता है कि जो चीज आंखें देखती है वो हमेशा सच नहीं होती, तुम अभी इस खेल में आए ही नहीं हो, धीरे धीरे तुम सब जान जाओगे। साथ ही वो उसे ये भी शेयर करता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, जिन 12 घंटों के अंदर तुम्हें वो कोड बनाना होगा क्योंकि कल ही हम लोग वर्ल्ड बैंक जाने वाले हैं। इसलिए अब अगले दिन जेम्स उस बनाए गए कोड की सीडी गैब्रियल को देता है, जो देखकर वो खुश हो जाता है और फिर अपने वादे के अनुसार जेम्स के अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि मेरा वर्ल्ड बैंक से पैसे चुराने का सिर्फ एक ही मकसद है, स्वॉर्डफिश ऑर्गेनाइजेशन को फिर से चालू करना, क्योंकि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो हमेशा आतंकवादियों को पकड़ने में नाकाम रही है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सरकार के खिलाफ जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चालू करके ही रहूंगा। जो इतना कहकर वो जेम्स को अपनी एक खुफिया जगह ले जाता है, जहां गैब्रियल के और भी साथी होते हैं जिनके पास काफी खतरनाक हथियार थे। तब गैब्रियल जेम्स से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ वर्ल्ड बैंक चलना होगा, क्योंकि बाहर से हैक करके हम वर्ल्ड बैंक के पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अंदर जाकर बैंक के सर्वर को हैक करना होगा और उसका सारा पैसा मेरे अकाउंट में डालना होगा। जो सुनकर जेम्स घबरा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर इतने सारे हथियार और गन लेकर जाना और वहाँ से जीवित वापस आना असंभव है, इसलिए वो चालाकी से वहाँ की बिजली बंद करके भाग जाता है। फिर गैब्रियल वर्ल्ड बैंक के लिए निकल जाता है और वहाँ के 22 लोगों को हॉस्टेज बनाकर उन पर बॉम्ब लगा देता है। दूसरी तरफ जिम जब अपनी बेटी से मिलने जाता है तो उसी में उसकी पत्नी का शव दिखाई देता है, साथ ही उसकी बेटी वहाँ नहीं होती क्योंकि गैब्रियल ने पहले उसका अपहरण कर लिया था ताकि पैसे मिलने के बाद वो उसे धोखा ना दे सके। अब ये देखकर जेम्स घबरा जाता है और तुरंत रॉबर्ट को फोन लगाकर उसे सारी बात बताते हुए वर्ल्ड बैंक में आने को कहता है, इसलिए रॉबर्ट भी बाकी पुलिस वालों के साथ वर्ल्ड बैंक के लिए निकल जाता है। फिर हम प्रेजेंट समय का सीन देखते हैं, जहां गैब्रियल का एक साथी को पुलिस ने स्नाइपर से शूट कर दिया था और अब जैसे वो उस लड़की को बॉम्ब की रेंज से दूर ले जाते तो वो विस्फोट हो जाता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। तब गैब्रियल रॉबर्ट से कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अगर तुमने मेरे साथी को शूट नहीं किया होता तो आज इतने पुलिस वालों के साथ उस लड़की की भी जान बच जाती, इसलिए आगे से सोच समझ कर कदम उठाना। वहीं जेम्स गैब्रियल के पास आकर उसे अपनी बेटी मांगता है। तब गैब्रियल उसे उसकी बेटी को दिखाकर कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो सर्वर को हैक करके वर्ल्ड बैंक का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो वर्ल्ड बैंक का सारा पैसा गैब्रियल के अकाउंट में डालकर तुरंत अपनी बेटी को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो सारे पैसे गैब्रियल के अकाउंट से खाली होने लगते हैं क्योंकि जेम्स ने उसे ऐसा ही सेट किया था कि कुछ देर बाद सारे पैसे वापस निकल जाएंगे, जो देखकर गैब्रियल के साथ ही जेम्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक वो अपने बेटे को पुलिस वालों तक पहुंचा देता है। फिर गैब्रियल जेम्स को उन हॉस्टेजेस को मार देने की धमकी देकर उसे सारे पैसे फिर से उसके अकाउंट में डालने को कहता है, इसलिए मजबूरन जेम्स सारे पैसे फिर से उसके अकाउंट में डाल देता है, जिसके बाद गैब्रियल पुलिस से कहकर वहाँ एक बस मंगवाता है जिसके अंदर वो सारे हॉस्टेजेस के साथ एयरपोर्ट तक जाएगा, और फिर जैसे ही वो प्लेन में सवार होगा तब वो सारे बम को डीएक्टिवेट करके हॉस्टेजेस को छोड़ देगा, इसलिए पुलिस वाले तुरंत बस का बंदोबस्त कर देते हैं जिसके अंदर गैब्रियल बाकियों के साथ सवार हो जाता है। अब जैसे ही बस आगे बढ़ती है वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसके अंदर से दो हुक निकलकर बस को अपने साथ हवा में उड़ाते हुए दूर ले जाता है और फिर एक बिल्डिंग के ऊपर आकर उस बस को छोड़ देता है,
जहाँ एक और हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद होती है। तब गैब्रियल के साथ ही सारे हॉस्टेज का बॉम्ब डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी बाद गैब्रियल जेम्स को अलविदा कहते हुए उस हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही वो थोड़ी दूर आता है, उस बस में से जेम्स एक रॉकेट लॉन्चर निकाल कर सीधे उस हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है, जिससे गैब्रियल की मृत्यु हो जाती है। और तब वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अब गैब्रियल को मुर्दा कर लाया जाता है ताकि वो पहचान सके कि हेलीकॉप्टर में मिला शव गैब्रियल का ही है। तब शव देखकर जेम्स हामी भर देता है कि ये शव गैब्रियल का ही है। लेकिन अब भी जेम्स को विश्वास नहीं होता कि गैब्रियल इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। फिर उसे चमकता है कि जब उसने हेलीकॉप्टर को बर्बाद किया था, तब उसे कुछ लोग बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए थे, जिससे वो समझ जाता है कि ये सारा प्लान गैब्रियल का ही था, ताकि वो दुनिया के लिए मर सके। और ये शव उसका क्लोन ही है, जिसे उसने स्टोरूम में छिपा कर रखा था। लेकिन जेम्स इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर गैब्रियल पकड़ा गया तो इससे और उसकी बेटी को खतरा हो सकता है, इसलिए वो ये बात उनसे छिपा देता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम जेम्स को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, जो अपने बॉस के अकाउंट से पैसे निकाल कर एक बोट पर उसे देने आती है। और जब हम उसकी और उसके बॉस की शक्ल देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिंजर और गैब्रियल ही है, जिन्होंने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है और वर्ल्ड बैंक से मिले पैसों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तब बैकग्राउंड जानकारी के जरिए हमें पता चलता है कि समुन्द्र में छुट्टियां मना रहे एक आतंकवादी की किसी ने हत्या कर दी, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर ये किसने किया। साथ ही ये इस हफ्ते का चौथा मामला है जिसमें कोई अनजान लोग आतंकवादियों को मार रहे, पर आखिर वो कौन है इसकी जानकारी पुलिस निकालने में लगी हुई है। पर हमें तो पता है कि ये काम गैब्रियल के अलावा और कौन कर सकता है। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।